स्टडी आईक्यू आईएएस, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। दोस्तों, आज पूरे देश की नजर राम मंदिर के इनॉग्रेशन पर टिकी है, जो बेशक पूरे देश के लिए एक ऐतिहासिक दिन भी होने वाला है, लेकिन उसके ठीक 3 दिन बाद पूरा देश एक और महत्वपूर्ण दिन का साक्षी होने जा रहा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भारत के 75वें गणतंत्र दिवस की। देखिए, परंपरा के मुताबिक हर साल की तरह इस साल भी गणतंत्र दिवस के मौके पर बहुत सी नेशनल और इंटरनेशनल पर्सनैलिटीज शामिल होंगी। देखा जाए तो इन्हीं में से खास नाम भारत के बहुत ही अजीज दोस्त यानी फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रों का भी शामिल है। भारत और फ्रांस के बीच तो एक दूसरे की नेशनल डे परेड्स को ज्वाइन करना एक ट्रेडिशन सा बन चुका है। जैसा कि आपने गौर किया होगा कि इन खास मौकों पर ये इन्विटेशन सिंबॉलिक वैल्यू से कई गुना ज्यादा मूल्यवान होते हैं, और ऐसा इसलिए है क्योंकि अपने आप में बहुत ही हाई स्ट्रेटजिक वैल्यू रखते हैं। ये दो देशों के बीच के फ्लरिशिंग रिलेशंस का मैनिफेस्टेशन होती है। ये फ्यूचर में दो देशों के आपसी संबंधों के पोटेंशियल यूटिलाइज करने की स्पिरिट का प्रतीक होता है, और भारत और फ्रांस की बायलैटरल रिलेशनशिप की भी एक ऐसी कहानी है। हालांकि ऐसी विजिट्स या पार्टनरशिप्स को अक्सर डिफेंस टाइज ओवरशैडो कर जाती हैं, लेकिन कई केसेस में रिश्ते उससे कहीं ज्यादा गहरे और मजबूत होते हैं, और उनको मजबूत बनाने का काम कुछ अंडरलाइंग फिलॉसफीज करती हैं। हाल ही में भारत और फ्रांस ने अपने स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप के 25 साल पूरे किए हैं। ऐसे में कई एक्सपर्ट्स तो ये तक कहते हैं कि पिछले कुछ दशकों में भारत और फ्रांस के संबंध जिस तरीके से मजबूत हुए हैं, उसको देखकर ऐसा लगता है कि मानो फ्रांस इंडिया के मोस्ट वैल्यूएबल पार्टनर्स की लिस्ट में रशिया को भी पीछे छोड़ देगा। साथ ही अब से कुछ दिन पहले इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा था कि फ्रांस इंडिया के लिए लक्ष्मण समान है। फिर ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर इस सक्सेसफुल रिलेशनशिप का फॉर्मूला क्या है? आखिर कैसे इस रिलेशनशिप ने हर ऑकवर्डनेस और टफ मोमेंट्स को परे रखकर समय की परीक्षाओं को पास किया है? साथ ही कैसे आज के डिस्प्यूटेड और डिस्टर्ब्ड वर्ल्ड ऑर्डर के बीच भी ये दोनों देश बिना किसी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के एक दूसरे के इंटरेस्ट को बखूबी कैटर कर पा रहे हैं, और आखिर वो कौन सा राज है जो भारत और फ्रांस को इतना स्ट्रांग एलाई बनाता है? दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम भारत और फ्रांस की क्लोज रिलेशनशिप के इन्हीं नुआंसेस को समझने की कोशिश करेंगे। ये टॉपिक आपके यूपीएससी मेंस जीएस पेपर 2 के आईआर सेक्शन के लिहाज से इम्पोर्टेंट है, और आपको इससे रिलेटेड एक मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चन इस वीडियो के एंड में मिल जाएगा। स्वागत है आप सभी का स्टडी आईक्यू में। अनुराग पांडे नाम है हमारा, और ऐसे तमाम लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट के लिए आप मेरे सोशल मीडिया हैंडल से जुड़ सकते हैं, या वीडियो के कमेंट बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके भी आप वीडियोस को एंजॉय कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो आपको बता दें कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिबर्टी, इक्वालिटी और फर्टिनिटी जैसी कोर वैल्यूज फ्रेंच रेवोल्यूशन के प्रिंसिपल से अडॉप्ट की गई है। आप देखेंगे तो इन वैल्यूज को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की लिविंग स्पिरिट्स कहा जाता है, और एक्सपर्ट्स की भाषा में कहें तो ये चीज दोनों देशों के रिलेशंस को एक स्पेशल चार्म प्रोवाइड करती है। भले ही रूट्स बहुत पुरानी हैं, लेकिन भारत और फ्रांस के रिलेशनशिप को कंसोलिडेट हुए ज्यादा समय नहीं हुआ है। आपको बता दें कि 1998 में फ्रांस और इंडिया ने आपस में स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप की थी। आज हम स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप के कॉन्सेप्ट को कई बार सुनते हैं। देखिए, किन्हीं दो देशों के बीच की स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप उन दोनों के बायलैटरल रिलेशंस का एक अपग्रेडेड वर्जन होती है, जिसमें दोनों देशों का आपस में कमिटमेंट उनके नॉर्मल बायलैटरल टाइज के कंपैरिजन में काफी ज्यादा होता है। दोस्तों, उसमें दो देश या दो एंटिटीज आपस में अलग अलग सेक्टर्स में अलग अलग लेवल्स पर कोऑपरेशन के ब्रॉड पैरामीटर्स तय करती हैं। आज इंडिया ने बहुत से देशों के साथ स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप साइन की हुई है, लेकिन फ्रांस ऐसा पहला देश था जिसके साथ इंडिया ने पार्टनरशिप साइन की थी। उस टाइम पर यह पार्टनरशिप मुख्य तौर पर 3 पिलर्स यानी सिविल, न्यूक्लियर एनर्जी, डिफेंस और स्पेस सेक्टर पर बेस्ड थी। यहाँ पर खास बात यह है कि फ्रांस ने एक वेस्टर्न कंट्री होते हुए भी शुरुआत से इंडिया के न्यूक्लियर प्रोग्राम को सपोर्ट किया है। दरअसल हुआ यूं कि 1998 में फ्रेंच प्रेसिडेंट जैक्स शिराक इंडिया के रिपब्लिक डे परेड में चीफ गेस्ट के तौर पर शामिल हुए, और इसी दौरान फ्रेंच प्रेसिडेंट जैक्स शिराक और इंडियन प्राइम मिनिस्टर आईके गुजराल ने उनके साथ इंडिया का फर्स्ट एवर स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइन किया। देखा जाए तो उसके कुछ ही मंथ्स बाद इंडिया में कुछ ऐसा हुआ जिससे फ्रांस एक टाइट स्पॉट पर आ गया। असल में न्यूली इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी ने उसी साल पोखरण में न्यूक्लियर टेस्ट अनाउंस कर दिए। भारत के न्यूक्लियर टेस्ट के बाद जहां एक और यूएस और यूके जैसी कंट्रीज भारत के ऊपर सैंक्शंस की बौछार कर रही थी, उसमें फ्रांस सबसे पहली वेस्टर्न कंट्री थी जिसने इंडिया का सपोर्ट किया था। बाकी देशों की तुलना में फ्रांस ने न केवल इंडिया के सिक्योरिटी इंटरेस्ट को समझा, बल्कि उसको समझते हुए इंडिया के साथ अपना स्ट्रेटजिक एंगेजमेंट और भी मजबूत किया। हालांकि यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल में फ्रेंच डिप्लोमेट्स को P5 कंट्रीज समेत भारत को इन टेस्ट के लिए कंडेम करना पड़ा, लेकिन उसने भारत के खिलाफ यूनाइटेड किंगडम और रशिया समेत यूनाइटेड स्टेट्स द्वारा लेड सैंक्शंस के मूवमेंट में हिस्सा नहीं लिया, और ना ही इसके चलते फ्रांस ने भारत के साथ अपने स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट को स्क्रैप किया। दोस्तों, बताया जाता है कि फ्रांस ने उस टाइम इंडिया को इन ग्रेट पावर्स के सैंक्शंस से बचाने की पूरी कोशिश की थी। दोस्तों, वीडियो को कंटिन्यू करें उससे पहले आप सभी के लिए एक इम्पोर्टेंट अपडेट है।
दोस्तों प्रीलिम्स को यूपीएससी की परीक्षा का आयरन गेट माना जाता है। इस एग्जाम का सिलेक्शन रेट 1% से भी कम है। इसी मुश्किल को समझते हुए स्टडी आईक्यू आपके लिए लाया है SIP प्लस यानी सक्सेस इन प्रीलिम्स प्लस प्रोग्राम, जिसके अंतर्गत मात्र 90 दिनों में आप प्रीलिम्स के आयरन गेट को क्रॉस करने में सक्षम हो जाएंगे। क्योंकि इस प्रोग्राम में आपको भारत की सबसे बेहतरीन फैकल्टीज से 200 प्लस आवर्स की लाइव रिविजन क्लासेस मिलेंगी और इन लेक्चर्स के बाद आपको रिविजन बुकलेट्स भी मिलेंगी, जिससे आप स्टैटिक और करंट कंटेंट को रिवाइज कर पाएंगे। साथ ही इसमें सीसेट की वर्कशॉप्स, यूपीएससी सिमुलेटर टेस्ट और ऑल इंडिया ओपन टेस्ट भी शामिल हैं। साथ ही कोर्स में सभी NCERTs और स्टैंडर्ड टेस्ट बुक्स को भी कवर किया जाएगा। दोस्तों अगर अभी आप इस कोर्स को ज्वाइन करते हैं एंड एन लाइव कूपन कोड का इस्तेमाल करते हैं तो 11499 तक के प्राइस वाले इस कोर्स को मात्र 5999 के सुपर डिस्काउंटेड प्राइस में अवेल कर सकते हैं। इस कोर्स से रिलेटेड सभी इम्पोर्टेंट लिंक्स आपको पिंड कॉमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो आइए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। 1998 में जब इंडिया ने स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप को अनाउंस किया था, उस टाइम फ्रेंच प्रेसिडेंट जैक्स शिराक ने यह तक कहा था कि भारत को ग्लोबल न्यूक्लियर ऑर्डर से एक्सक्लूड करना एक बड़ी मिस्टेक है जिसको सुधारा जाना चाहिए। आपको बता दें कि 1998 का डायलेमा फ्रांस के लिए कोई नई बात नहीं थी। देखा जाए तो इससे पहले 1976 में भी शिराक फ्रांस के पीएम के तौर पर इंडिया आए थे और इससे कुल 6 महीने पहले ही प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने देश में इमरजेंसी डिक्लेयर की थी। आप भी जानते हैं कि इंडियन इमरजेंसी को दुनिया भर में क्रिटिसाइज किया जा रहा था, लेकिन उस टाइम भी उन्होंने अपने इस विजिट को पूरा किया। फिर दिसंबर 1975 में फ्रांस ने पेरिस कॉन्फ्रेंस ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक कोऑपरेशन होस्ट की, जहां डेवलपिंग वर्ल्ड पर योम किप्पुर वॉर से जन्मी ग्लोबल एनर्जी क्राइसिस के इम्पैक्ट को डिस्कस किया जाना था और भारत को भी इस कॉन्फ्रेंस में इन्वाइट किया गया था। खैर वक्त बीता और 2006 में शिराक फिर से दिल्ली आए और इस विजिट पर उन्होंने इंडिया और फ्रांस की सिविल न्यूक्लियर डील की स्टेज सेट की। साल 2008 में इंडिया को न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप से न्यूक्लियर ट्रेड करने का वेवर मिला, तब फ्रांस सबसे पहली कंट्री बनी, जिसके साथ इंडिया ने 2008 में एक सिविल न्यूक्लियर कोऑपरेशन एग्रीमेंट साइन किया। दोस्तों इसके तहत रशिया के अलावा फ्रांस एक ऐसी कंट्री थी जिसने इंडिया के न्यूक्लियर रिएक्टर्स को बिल्ड करने में हेल्प की थी। आपको बता दें कि इस न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप को भी हासिल करने में फ्रांस ने भारत का बहुत सपोर्ट किया था। वैसे इंडिया के स्पेस प्रोग्राम्स में भी फ्रांस का भरपूर योगदान रहा है। देखिए इस रिसेंट मीटअप में भी स्पेस सेक्टर में कोऑपरेशन एक मेन एजेंडा रहा। स्पेस सेक्टर में बढ़ते इकोनॉमिक और सिक्योरिटी चैलेंजेस को टैकल करने के लिए और एक रूल बेस्ड कोऑपरेशन को इंश्योर करने के लिए इन दोनों देशों ने एक बायलैटरल स्ट्रेटजिक डायलॉग को एस्टैब्लिश किया है। वहीं अगर हम डिफेंस की बात करें तो ये भारत और फ्रांस के रिलेशनशिप का एक बेहद ही क्रूशियल पिलर रहा है। हालांकि सेक्टर को रशिया बहुत लंबे टाइम से डोमिनेट करता आया है, लेकिन जब अर्ली 1980s में सबसे पहले इंडिया के डिफेंस रिलेशनशिप को डाइवर्सिफाई करने की बात की गई, तब फ्रांस इंडिया की नेचुरल चॉइस बनकर उभरा। आप देखेंगे तो रशिया के बाद फ्रांस इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट वेपन सप्लायर है। इस सेक्टर में फ्रांस की स्ट्रेटजिक कैपेबिलिटी और इंडियन मार्केट ने हमेशा एक दूसरे को सपोर्ट किया है। आज रशिया चाइना को भी वेपन सप्लाई करता है और उसी तरीके से US भी पाकिस्तान को वेपन सप्लाई करता है, लेकिन फ्रांस केवल इंडिया के साथ डील करता है और इसलिए रिलेशनशिप और भी ज्यादा यूनिक हो जाती है। फ्रांस ने इंडिया के राइवल्स पाकिस्तान या चाइना को वेपन्स देने के बजाय सिर्फ इंडिया के साथ एक स्ट्रॉन्ग डिफेंस पार्टनरशिप बिल्ड करने का रास्ता चुना है। आप देखेंगे तो इसका एक इंटरेस्टिंग एग्जांपल हमें इंडो पाकिस्तान वॉर के टाइम में देखने को मिल जाता है, जब इस वॉर में फ्रांस ने US के खिलाफ जाकर इंडिया को सपोर्ट किया। देखा जाए तो इस सेक्टर में इन दोनों का कोऑपरेशन इंडियन इंडिपेंडेंस के बाद से ही देखा जा सकता है। दोस्तों इस दौरान भारत ने फ्रांस से ओरेगन एयरक्राफ्ट, मिस्टेरेस, जगुआर, मिराज 2000 फाइटर्स, अलॉयड हेलीकॉप्टर्स और हाल ही में स्कॉर्पियन क्लास डीजल सबमरीन और राफेल फाइटर जेट्स हासिल किए हैं। वक्त के साथ ही रिलेशनशिप केवल एक बायर और सेलर की रिलेशनशिप से बढ़कर दो पार्टनर्स के रिलेशनशिप में तब्दील हुई है। आज फ्रांस इंडिया की इंडिजीनियस डिफेंस प्रोडक्शन को बढ़ चढ़ के सपोर्ट करता है, जहां US, जर्मनी और बाकी यूरोपियन देश अब भी इंडिया के साथ टेक्नोलॉजी शेयर करने में हिचकते हैं। वहीं फ्रांस इंडिया के डिफेंस इंडस्ट्री में हैवी इन्वेस्टमेंट्स और टेक्नोलॉजी शेयरिंग के जरिए भारत के आत्मनिर्भर मिशन को सपोर्ट करता रहा है। हाल ही में तैयार हुई स्कॉर्पियन क्लास डीजल सबमरीन इसी ज्वाइंट प्रोडक्शन का एक अच्छा एग्जांपल है। दोस्तों सब के अलावा इंडिया और फ्रांस की आर्मी, नेवी और एयर फोर्सेस रेगुलर बेसिस पर ज्वाइंट एक्सरसाइजेज में शामिल होती हैं। और क्या आप हमें कमेंट सेक्शन में इन तीनों एक्सरसाइजेज का नाम बता सकते हैं? अगर जानते हैं तो कमेंट जरूर करें। साथ ही दोनों देश इंडियन ओशन में एक दूसरे के नेवल बेसिस का भी इस्तेमाल करते हैं, साथ ही साथ वो इंटेलिजेंस शेयरिंग, मिलिट्री ड्रिल्स, साइबर सिक्योरिटी और एक दूसरे की कैपेबिलिटीज को एक्सपेंड करने के लिए भी साथ काम कर रहे हैं। दोस्तों आपने गौर किया होगा कि पीएम मोदी के विजिट के कुल 2 दिन पहले ही मीडिया में एक न्यूज आई थी कि फ्रांस के एक नेवल ग्रुप ने P-75I सबमरीन प्रोजेक्ट से विड्रॉ कर लिया है, जिसके बाद भारत और फ्रांस के रिलेशनशिप पर कई सवाल उठाए गए। लेकिन अगर स्ट्रेटजिक एक्सपर्ट्स की माने तो इस न्यूज को एक आधे अधूरे तरीके से पेश किया गया। ये डील पीएम की समिट से 2 दिन पहले कैंसिल नहीं हुई थी। असल में बात यह थी कि कुछ टेक्नोलॉजी रिलेटेड रिक्वायरमेंट्स के चलते फ्रांस इस प्रोजेक्ट से लगभग 1.5 साल पहले ही एलिमिनेट हो चुका था और उसी तरह राफेल कंट्रोवर्सी के बाद भी
इन दोनों देशों की फ्रेंडशिप को टारगेट किया गया था, लेकिन इन सभी चैलेंजेस के बावजूद भी ये रिलेशनशिप और भी बेहतर बनकर उभरी है। हालांकि सभी पिलर्स इस रिलेशनशिप को वर्थ इट बनाने में अहम भूमिका निभाते हैं, लेकिन जैसा कि हमने आपको शुरुआत में कहा कि ये डिफेंस इक्विपमेंट्स अक्सर अपने चार्म से इन रिलेशनशिप्स की अंडरलेइंग फिलॉसफी को ओवरशैडो कर देते हैं। दोस्तों, भारत और फ्रांस के केस में तीन क्रिटिकल फैक्टर्स इस रिलेशनशिप को स्ट्रांग फाउंडेशन प्रोवाइड करते हैं। आप देखेंगे तो इन पिलर्स में सबसे पहला है नॉन इंटरफेरेंस इन ईच अदर्स इंटरनल अफेयर्स, यानी कि एक दूसरे के इंटरनल मैटर्स में दखलंदाजी न करना। दूसरा है स्ट्रेटजिक ऑटोनॉमी में स्ट्रांग बिलीफ रखना। और तीसरा है एक दूसरे को अपने जियोपॉलिटिकल अलायंसेस का पार्ट बनने के लिए फोर्स न करना, यानी कि इस केस में एक दूसरे को एक दूसरे की जियोपॉलिटिकल पोजीशन से अलाइन करने का प्रेशर नहीं बनाया जाता है। यानी कि यहाँ पर जियोपॉलिटिक्स विदाउट वैल्यू जजमेंट्स का फॉर्मूला अपनाया जाता है, इसलिए किसी एक का जियोपॉलिटिकल स्टैंड इन दोनों के आपसी बायलैटरल रिलेशनशिप्स को खराब नहीं कर पाता है। दोस्तों, भारत और फ्रांस के रिलेशंस की रिसेंट हिस्ट्री में ऐसे हजारों इंस्टेंसेस भरे पड़े हैं। एग्जाम्पल के तौर पर जब लास्ट ईयर चार्ली हाब्दो के केस में एक फ्रेंच स्कूल टीचर को बिहेड किया गया था, उस टाइम इंडिया ने खुलकर फ्रांस का सपोर्ट करते हुए कहा था कि आतंकवाद को किसी भी सूरत में किसी भी कारण से या फिर किसी भी हालात में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और इस केस में इंडियन पब्लिक का सपोर्ट भी सोशल मीडिया पर कई दिनों तक ट्रेंड कर रहे हैशटैग आई स्टैंड विद फ्रांस जैसे हैशटैग्स में दिखाई दिया था। दोस्तों, इंडियन डिप्लोमेसी ने इतिहास में इस तरह के सेंसिटिव जियोपॉलिटिकल इश्यूज पर ऑफिशियली कभी कोई स्टैंड नहीं लिया है, फिर चाहे वो शिनजियांग हो या हांगकांग हो, इसराइल और पैलेस्टाइन का इश्यू हो या फिर आर्मेनिया और अजरबैजान का, या फिर रशिया यूक्रेन क्राइसिस ही क्यों ना हो, जिन मसलों से भारत का कोई डायरेक्ट कनेक्शन ना हो, भारत ने हमेशा उससे एक स्ट्रेटजिक डिस्टेंस मेंटेन रखा है। लेकिन फ्रांस के केस में जहां पूरा इस्लामिक वर्ल्ड और स्पेशली इंडिया के दो इम्पोर्टेंट एलाइज यानी कि सऊदी अरेबिया और ईरान फ्रेंच गवर्नमेंट के खिलाफ थे, वहीं दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट मुस्लिम कंट्री होने के बावजूद भी भारत ने रेडिकल ग्रुप्स और उनके टेररिस्ट एक्टिविटीज के खिलाफ जाकर फ्रेंच गवर्नमेंट का खुलकर सपोर्ट किया। इन सब के अलावा आज इंडो पैसिफिक में भी फ्रांस इंडिया का एक नेचुरल पार्टनर बनकर उभरा है। दोस्तों, फ्रांस के लिए इंडो पैसिफिक एक ज्योग्राफिकल रियलिटी है। आप देखेंगे तो कनाडा के नॉर्दर्न कोस्ट के पास बसे सेंट पियरे और मिकलोन से लेकर साउथ पैसिफिक में न्यू कैलेडोनिया, वालिस एंड फुतुमा और फ्रेंच पॉलिनेशियन टेरिटरीज और सदर्न इंडियन ओशन में रियूनियन तक फ्रांस की ओवरसीज टेरिटरीज इस रीजन में हर ओर फैली हुई है। फ्रांस के पास वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, जिसका 93% हिस्सा इंडो पैसिफिक में मौजूद है। और इस रीजन में फ्रांस के लगभग 1.5 मिलियन सिटीजंस और 8,000 सोल्जर्स डिप्लॉयड हैं। और इस रीजन में चाइना का अनकंट्रोल्ड एक्सपेंशन भारत और फ्रांस के सिक्योरिटी और स्ट्रेटजिक इंटरेस्ट को एक साथ लेकर आता है। देखा जाए तो इन डायरेक्ट स्टेक्स को ध्यान में रखते हुए फ्रांस ने इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी भी अडॉप्ट की है, और ऐसा करने वाला वो एकमात्र यूरोपियन देश है। यूरोप में और किसी भी देश के इंडो पैसिफिक में डायरेक्ट कंसर्न शामिल नहीं है, और ये चीज फ्रांस को इंडिया के लिए और भी ज्यादा स्पेशल और एक रिलायबल पार्टनर बनाती है। और यही वजह है कि इस रीजन में इन दोनों देशों के इंटरेस्ट और कोऑपरेशन को कोई भी दूसरी पावर शायद मैच न कर पाए। हाल ही में साइन हुए ऑकुस यानी कि ऑस्ट्रेलिया यूके और यूएस के नए मिलिट्री अलायंस ने फ्रांस और इंडिया को और भी क्लोज लाने का काम किया है। दोस्तों, ऑकुस के डील के चलते ऑस्ट्रेलिया ने फ्रांस के साथ $90 बिलियन की न्यूक्लियर सबमरीन डील कैंसिल की थी, जिसकी वजह से फ्रांस इस अलायंस से काफी नाराज था। आप देखेंगे तो इस अलायंस को लेकर इंडिया की भी अपनी नाराजगी थी, और ऐसा इसलिए था क्योंकि अमेरिका ने इंडिया को कभी न्यूक्लियर सबमरीन ऑफर नहीं की। हालांकि रशिया और यूएसएसआर ने इंडिया को न्यूक्लियर अटैक सबमरीन्स लीज पर दी हैं, और वो इस फील्ड में इंडिया के डोमेस्टिक सेक्टर को सपोर्ट भी करता है। लेकिन कई एक्सपर्ट्स के मुताबिक ऑकुस यानी कि ऑस्ट्रेलिया यूके और यूएस के नए मिलिट्री अलायंस के बाद आज फ्रांस इस फील्ड में इंडिया को न्यूक्लियर सबमरीन सेल करने का ऑप्शन भी कंसिडर नहीं कर रहा है। खैर दोस्तों, अब आप ये समझ गए होंगे कि आज कई एक्सपर्ट्स फ्रांस को रशिया के साथ कंपेयर क्यों कर रहे हैं। दोस्तों, यहाँ हमारा मकसद इंडिया के दो इम्पोर्टेंट स्ट्रेटजिक अलाइज को किसी ऑर्डर में रैंक करना या फिर किसी एक दूसरे से ज्यादा बेहतर बताना बिल्कुल भी नहीं है। आप देखेंगे तो इंडियन जियोपॉलिटिक्स में यूएसएसआर और रशिया ने अपनी एक ऐसी यूनिक पहचान बनाई है जिसको रिप्लेस करना आज शायद किसी के लिए पॉसिबल भी नहीं है। लेकिन आज उसी तरीके से फ्रांस भी इंडिया के जियोपॉलिटिकल कैलकुलस का एक इररिप्लेसेबल कंपोनेंट बन चुका है। दोस्तों, आज के इस एनालिसिस में आप ये देख चुके हैं कि कैसे रशिया की तरह ही फ्रांस और इंडिया के रिलेशनशिप ने भी समय की सारी चुनौतियां पास की हैं, और उसी का नतीजा है कि ये दोनों भारत के साथ अपने रिलेशनशिप में ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस का एक स्ट्रॉन्ग थ्रेड बिल्ड कर चुके हैं, और ये दोनों आने वाली नई चुनौतियों के लिए भी साथ खड़े हैं। हालांकि बायलैटरल ट्रेड और पीपल टू पीपल कनेक्टिविटी जैसे कुछ सेक्टर्स ऐसे भी हैं जहां भारत और फ्रांस को अपना फुल पोटेंशियल अचीव करने के लिए अभी आगे बहुत काम करना होगा। लेकिन हमारे फॉरेन मिनिस्टर के मुताबिक ओवरऑल ये रिलेशनशिप एक बर्डिंग और मैच्योर रिलेशनशिप है। दोस्तों, इंडिया और फ्रांस की बूमिंग रिलेशनशिप के ऊपर आपकी राय क्या है, हमें इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। और ये है आज का हमारा मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चन, आप इसका भी जवाब हमें इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।